Good morning to all of you. In 9 class video learning, अभी हम लोग आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन की जो वैरायटी एग्जाम में आने लायक थी या जो क्वेश्चन हम लोग वीडियो के जरिए समझा सकते थे हमने अभी उनको कंप्लीट कर लिया। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें अभी चैप्टर को आगे बढ़ाना है तो हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए ये आपको ये 0.7 बार 0.27 बार 0.123 बार ये आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल इरेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो रेशनल नंबर्स हैं ठीक है ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखना है। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि हम इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है ऐसे लिखा हुआ आता है कन्वर्ट 0.7 बार इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर आप अपना थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़े 1.3 का तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है अब देखिए इसका मेथड क्या है हम लोग इसको एक्सप्लेन मेथड से पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड से नहीं पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है ना उसे आप किसी के लेट कंसीडर कर ऐसे लिखूंगा लेट x इक्वल्स 0.7 बार डिजिट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है बस केवल x इक्वल्स लिखना है। तो मैंने 3 ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन बुक जैसे मैंने डिजिट बदल दिया है आप इन तीनों की प्रैक्टिस भी करिएगा और उनकी प्रैक्टिस भी करिएगा जो बुक में लिखे हो। यहाँ एक और वैरायटी है कि किसी के ऊपर बार है किसी पे नहीं है तो पहले ये 3 सीख लीजिए फिर हम लोग इसका सेकंड पार्ट जो थोड़ा सा चेंज है वो समझेंगे। पहले देखिए जो भी नंबर दिया हुआ है उसे आपको x मान ठीक है कोई चेंज नहीं करना डायरेक्ट क्या लिखना x इक्वल्स और अब बताइए किसके ऊपर बार है 7 के ऊपर बार है। अगर 7 के ऊपर बार है तो बार का मतलब जब मैं इस बार को हटाऊंगा तो बार बार 7 क्या होगा रिपीट होगा कितनी बार आप सो मेनी टाइम्स लिखते चले जाएं कोई गिनती नहीं है इनफाइनाइटली 7 7 7 7 7 चलता रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर ढूंढना है कि ऐसे किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा 7 7 7 7 कई बार आ जाए। तो उसके तरीका क्या है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे करें तो अभी हमारे पास वो रेशनल नंबर आ जाएगा। क्या बताया कि जो भी नंबर दे रखा है उसे आप एक्स मान लेंगे और अब उसका बार हटाएंगे। देखिए बार हटाएंगे तो 7 7 7 7 रिपीट हो जाएगा। अब बताइए इतने नंबर के ऊपर बार था 1 ठीक है तो हम लोग इसकी दोनों तरफ 10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के ऊपर बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने नंबर से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी ऐसे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 ये देखो मुझे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए तो जब मैं इस 10 को x से अच्छा 10 से क्यों करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है ध्यान रखना। अब 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x। अब 10 में कितनी जीरो है 1। अगर मैं इस नंबर को 10 से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.1 नंबर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 2 जीरो होती तो 0.2 नंबर ट्रांसफर हो जाता। अब देखिए 10 है ना तो 0.8 नंबर ट्रांसफर हो गया 7.7777 .. जितने बार 7 लगा दीजिए आपकी इच्छा चाहे इससे कम लगा दीजिए ज्यादा लगा दीजिए बस 0.8 नंबर ट्रांसफर हो गया। इस इक्वेशन का नंबर आप 1 डाल देंगे और इस इक्वेशन का नंबर आप 2 डाल देंगे। देखिए इतनी बार समझ में आई कि नहीं क्या करना है बार 7 के ऊपर है तो सबसे पहले इसे एक्सलेट करना है। मेथड सीखिए जितने नंबर के ऊपर बार है जब बार को हटाएंगे तो उसे बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि रिपीटिशन का मतलब ही बार रिपीटिंग डेसिमल। देखिए अब दोनों तरफ 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करना होता ना तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता क्योंकि 2 के ऊपर बार। अभी करेंगे इसको भी चलिए अब कितनी इक्वेशन बन गई 2। क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मैं ऐसे लिखूंगा इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन वन, ऐसे हेडिंग लिखूंगा। तो सेकंड इक्वेशन पहले ऊपर आएगी 10x 7.7777 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट लगाना बहुत जरूरी है, अगर आपने ये डॉट नहीं लगाया तो ये नंबर फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा इस नंबर का, ठीक है। तो ये नंबर फिर मीनिंग चेंज होने से ये क्वेश्चन ही बदल जाएगा। तो बार लगा हुआ है तो बार का मतलब है कि आपको इसको डॉट 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 लिखते चले जाना है। अब देखिए इक्वेशन टू ये रही और इसके नीचे इक्वेशन वन, देखिए x, x के नीचे x, जीरो पॉइंट, तो देखो जीरो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सेवन 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 डॉट डॉट डॉट, देखिए ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन बच्चे लगाना भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन भी चेंज करेंगे। तो 10x में से x क्या बच गया, 9x। अब बताइए 7 में से 0 हो गया 7.0000, आगे तो 0000 चलता जाएगा जितनी मर्जी बार चला। तो बताइए x का क्या आंसर आ गया, 7/9। आप इसके बाद इसे ऐसे मिटो भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि 7 पॉइंट जितनी भी 0 7.0 के बाद आएगी तो 7 ही बार आ जाएगा। तो बताइए आपका आंसर क्या आ गया, 7/9। आप चेक करना चाहें 7 को बीच में ले लीजिए और किसी डिवाइड करना शुरू करिए 9 से, यही आंसर आएगा आपका 0.7777। तो इसका मतलब हो गया 0.7 बार। दो इक्वेशन बनेंगी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऊपर फर्स्ट इक्वेशन नीचे, दोनों को माइनस करिए साइन चेंज करिए, देखिए आपका आंसर आ गया। कोई गलती नहीं होगी, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ी कि ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया, एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को किया, ठीक है। आइए एक और करते हैं, चलिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, क्या मानते हैं एक्स, ध्यान से देखिए एक बार और। तो लेट इस नंबर को सबसे पहले एक्स मान लिया 0.27 बार, बार अभी नहीं हटाना है, पहली लाइन में बार नहीं हटाना है, पहली लाइन में तो हमें इस नंबर को इसकी तरह, देखिए इसकी तरह क्या मानना है x, तो मैंने इस नंबर को क्या मान लिया x, ठीक है। अब और x equals, अब देखिए जब मैं इसका बार हटाऊंगा तो क्या आएगा 0.27 जितनी मर्जी बार लिखना चाहे लिख दीजिए, देखिए जितनी मर्जी बार लिखना चाहे 2727 अब बताइए क्या लिखूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, यहां एक के ऊपर बार था, यहां दो के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। चलिए अब दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 की x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 100x। अब बताइए 100 में कितनी जीरो है, दो, तो दो जीरो को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट दो नंबर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पॉइंट एक नंबर ट्रांसफर हुआ था, वहां पॉइंट दो नंबर ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए 27 अब पॉइंट दो नंबर ट्रांसफर हो गया 0.27 जितनी मर्जी बार 27, ठीक है। बताइए इस इक्वेशन का नंबर 1 हो गया और इस इक्वेशन का नंबर 2, देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस, अब जिस इक्वेशन में से माइनस करना है वो पहले लिखेंगे, यानी कि 100x 27.27 ये डॉट लगाना मत भूल जाना, नहीं तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का चक्कर पड़ जाएगा। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स के नीचे एक्स, अब बताइए पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो यहां आएगा 0.272727 डॉट डॉट डॉट। साइन चेंज करना मत बोलना क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, साइन बच्चे चेंज करते नहीं है और फिर टीचर से झगड़ा करते हैं, टीचर नंबर काट लेता है। तो बताइए 100 में से 1 माइनस करेंगे, ये 100x है, देखिए ये 10x था, ये 1x था, माइनस किया 9x आया, 100 में से 1x माइनस करेंगे क्या बचेगा 99x, और क्या आया 27, आगे तो पॉइंट लगा के 0000 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई 27/99,
लेकिन ये नंबर तो किसी से कटता है, काट दीजिए, 9 3 जा और 9 11 जा, आप 3 को बीच में लिखिए 11 से डिवाइड करिए, हाँ ये आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं? एक नंबर था, पहले एक्स मारा, उसे रिपीट करना शुरू कर दिया, डॉट 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 जरूर लगानी है, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं। एक ही नंबर के ऊपर बात था तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, दो बार था तो 100 से करिए। देखिए जितनी जीरो होगी पॉइंट उतना नंबर ट्रांसफर हो जाएगा, एक नंबर ट्रांसफर हो, देखिए दो नंबर ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अब सेकंड मेथड फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने के लिए, सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए सबट्रैक्ट करेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा। मार्जिन स्कीम के अकॉर्डिंग एक्स लेट करके इक्वेशन वन बनाने का आधा नंबर, यहाँ पर भी आधा नंबर, दोनों को माइनस करने का एक नंबर। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन दो नंबर में भी आ सकता है, तीन में भी आ सकता है, ठीक है। तो दो या तीन नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन अच्छा है, जरूर आता है। आइए जैसे एक की करी दो का ग्राफ, अब तीन वाला बार भी करते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को मिटाकर वो वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, चलिए डिजिट है 0.123 bar। सबसे पहले कुछ चेंज नहीं करना, सबसे पहले क्या लिखना है, लेट इस नंबर को क्या लेट करना है, x। अब बताइए कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3 तीनों पर है, तो 0.123 123 123 123 ये देखिए, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, बताओ तीन के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। ध्यान से समझिए, कम पढ़िए, कम क्वेश्चंस वीडियो में अटेंड करिए, लेकिन उसको बार बार देखकर प्रैक्टिस करिए। जितने भी डिजिट्स आपको दी जा रही है सब आपके कॉलम पे होनी चाहिए। स्कूल खुलते ही जिस भी दिन स्कूल खुलेगा, चाहे बाद में खुले चाहे पहले खुले, जब भी खुलेगा टीचर ये सब क्वेश्चंस देखेगा, क्योंकि हम लोग भी डायरी में नोट कर रहे हैं कि हमने किस दिन कौन सी चीज पढ़ाई है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके असाइनमेंट की मार्किंग होगी, ठीक है। तो सब ये क्वेश्चंस भी करिए, बच्चे पूछ रहे हैं बराबर व्हाट्सएप पे, कॉपी बनाए कैसे, भरी कॉपी बना के तो काम होगा, तो ये सब क्वेश्चंस कॉपी पे करिए, इनके जैसे जो बुक में है जो आपको बताए जा रहे उन डिजिट्स को भी करिए। अपने आप कहने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इनके जैसे जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है उनको भी करिए, कोई प्रॉब्लम ना व्हाट्सएप पे करिए, देखिए आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, चलिए x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स करनी है इधर भी, अब 3 0 है तो 0.3 नंबर आगे हो गया, देखिए 1 2 3 0.3 नंबर आगे हो गया, पॉइंट 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये देखिए डॉट 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 जरूर लगाना, नहीं तो मीनिंग चेंज आ जाएगा क्वेश्चन पर। अब देखिए कितनी इक्वेशन बन गई, दो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है, तो सेकंड इक्वेशन ऊपर, पहले सेकंड इक्वेशन आएगी 1 2 3 0.123 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे लिखना है फर्स्ट इक्वेशन को x इक्वल 0.123 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये बात ध्यान रखनी है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, साइन चेंज कर दीजिए, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है, आपकी जितनी मर्जी बार जरूरत हो 1 2 3 1 2 3 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन डॉट जरूर लगा दीजिए। अब 1000 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 999, और यहां बचा 1 2 3, देखो आगे तो पॉइंट आएगा, जीरो आएगी, बताइए एक्स का क्या आंसर आ गया, 1 2 3 अपॉन कितना, 999, ये देखिए। अब ये नंबर देखिए 9 से कटता है कि नहीं, 9 से तो नहीं कटता, लेकिन ये नंबर 3 से कटता है, तो चलिए 3 4 जा 12 3 1 जा 3 और 999, अब किससे कटता है, नहीं कटता, तो ये आपका आंसर हो गया। आप चेक करना चाहे 41 को बीच में लिखिए, नीचे 333 से डिवाइड करिए, यही आपका आंसर है। तो मैंने एक जैसे आपको तीन क्वेश्चन कराए, एक के ऊपर बार, दो के ऊपर बार और तीन के ऊपर बार, एक के ऊपर बार मानना सबको सबसे पहले क्या है, एक्स, एक के ऊपर बार है 10 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ, ऐसे स्टेटमेंट देना, नहीं पहले 27 है ना बार, तो उसको रिपीट करना है, देखिए 1000 था तीन बार थे तो रिपीट करना है, ये देखिए 7 था तो 7 7 7 7 ऐसे रिपीट करना है, तीन दो के ऊपर बार है तो 100
से तीन के ऊपर बाहर है तो 1000 से एक के ऊपर बाहर है तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जितने भी नंबर है ना सभी पे बाहर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसमें कुछ पर बाहर होगा और कुछ पर नहीं होगा। अगले वीडियो में वही क्वेश्चन आएंगे, पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान से लिखना है, एक्स के नीचे एक्स लिखना है और जो भी आंसर आएगा उसको कटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही आंसर आएगा। देखिए कटता है तो ठीक है, नहीं तो आंसर। तो आप इन तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और फिर जो बुक के अंदर क्वेश्चन है उनकी भी करिए, एग्जाम्पल भी करिए। फिर मैं मिक्स वैरायटी वाला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर मैं दोनों में भी डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे।